नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज सर्कल पर। दोस्तों आज यहाँ हमारे चैनल पर रेलवे JEE एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें आज की इस वीडियो में हमने जनरल अवेयरनेस सेक्शन को शामिल किया है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि CVT 1 में 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हमने पिछली JEE परीक्षाओं से कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं तथा विशेषज्ञों की परामर्श से हमने उस सभी क्वेश्चन को शामिल करने का प्रयास किया है जो कि आपको JEE एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आज का लाइव टेस्ट शुरू करते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरीना। अरीना नाम के खेल परिसर में घुड़सवारी का खेल खेला जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। वर्तमान में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। अगला प्रश्न, हाल ही में मनोहर पारिकर का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। दोस्तों आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, मनोहर पारिकर जी का निधन कब हुआ था? जिसका सही आंसर है 17 मार्च 2019। मनोहर पारिकर जी गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 के तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंदौर। इंदौर को लगातार 3री बार यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु कैसी है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न, पूना समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निचली जातियों के प्रतिनिधित्व से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन। दोस्तों प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? जिसका सही आंसर है ईसा पूर्व 323। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जिसका सही आंसर है सुमित्रा महाजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रोड। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में लागू हुई थी? दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रशासनिक सेवा भारत देश में लागू हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन सबसे प्रथम सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला देश है। भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। दोस्तों वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 545। दोस्तों यदि यह प्रश्न पूछा जाता वर्तमान में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता 552।
इसी के साथ आज की टेस्ट सीरीज का प्रश्नों का सिलसिला यह समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, जिससे हमारे गांव देहात के सभी स्टूडेंट नॉलेज सर्कल के साथ जुड़ सकें और उनका सफलतापूर्वक मार्गदर्शन हो सके। नॉलेज सर्कल ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।